हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में न्यू चैप्टर लेते हैं आज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्क्यूनेस मीन्स मिस्टेक। कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, उसमें मिस्टेक कितनी है वो ढूंढने की प्रोसेस को बोला जाता है टू फाइंड द स्क्यूनेस। उसके दो मेजर हैं, डायरेक्ट स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो किस तरह से ढूंढा जाता है इसको, क्या है? तो एक एग्जांपल लिया हमने, एक्स आई एफ आई दी गई है, तो सबसे पहले इसका ढूंढना है मीन। तो मीन के लिए हम जाएंगे एफ आई एक्स आई, 2 1 2, 2 4 8, 3 6 18, 32 50, 48 42, 32 and 18, राइट? टोटल कर देंगे इसका 10 and 10, 20 30 40 0, 4 5 6 7 8, 12 16 21 and 4 25। सबसे पहले मीन ढूंढूं मैं एक्स वार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, 250 डिवाइड बाय एन एफ एफ टी, तो एक्स वार इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 5। फिर इसमें चाहिए मोड, तो वो है 5। कैसे? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली एफ आई। इसके बाद चाहिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चले कि क्या क्या चाहिए। दो मेथड इसमें फाइंड करने के हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड एंड बाउली का मेथड। तो हमने सबसे पहले कार्ल पियर्सन का मेथड लिया है, तो उसमें हमको चाहिए होता है मेन चाहिए, मोड चाहिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एम। ये तीन ही क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी जो दो फॉर्मूला है उसमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ये तीन ढूंढेंगे। अभी कॉलम डायरेक्ट बनाऊंगा मैं एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का, इन सब में से 5 माइनस करूंगा और उसकी स्क्वायर करता जाऊंगा, तो 1 माइनस 5 तो मिलेगा माइनस 4, उसकी स्क्वायर 16, 9, 3 में से 5 का तो 2 माइनस का उसकी स्क्वायर 4 1 0 1 4 9 and 16। इसको करेंगे एफ आई के साथ मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो 16 2 32 36 24 8 0 8 24 36 32, टोटल करूँ तो 10 and 10 20 50 60, 10 20 30 40 50 and 3 80 and 2 100 100 and 100 200। फॉर्मूला में लेके आऊँ मैं 200 डिवाइड बाय 50, तो 4 4 का रूट करेंगे तो 2। अब इसके दो कोफिशेंट है, सबसे पहले स्क्यूनेस, दो मेजर्स हैं सॉरी, तो एस होता है एक्स बार माइनस मोड, 5 माइनस 5, तो एस मिलेगा हमको 0, एस के स्क्यूनेस, एस नहीं एस के। देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो वो होता है जे, स्मॉल जे, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस।
अब इसकी वैल्यू ही जीरो मिली है तो अपॉन मोड से करेंगे डिवाइड तो अभी क्या मिलेगा, जीरो। तो इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बता रहा है कि इसमें जो है मिस्टेक नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं है। ऐसे टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड देखोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है। ये जो मेथड हमने लगाया ये मेथड है हमारा कार्ल पियर्सन का। इसमें बाउली का मेथड कल सीखेंगे या आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताऊंगा कि ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि स्क्यूनेस जो है कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है।